हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ किया मोटर से जुड़े 12 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो कृपया बने रहे इस वीडियो के अंत तक। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल द फैक्ट नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप मिस न कर सके। इस कंपनी की शुरुआत 11 दिसंबर 1944 में किम हो चोल द्वारा किया गया था, साउथ कोरिया सियोल के योंगदेंग पोगू सिटी में। शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन ये कंपनी शुरुआत में बाइसिकल्स और उसके पार्ट्स को बनाने का काम किया करती थी, जिसे उस समय क्योंगसिंग प्रिसीजन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। फिर 1952 में इस कंपनी ने अपना नाम चेंज करके किया इंडस्ट्रीज कर लिया। यहाँ पर किया में KI एक सिनो कोरियन कैरेक्टर है, जिसका मतलब है टू अराइज, यानी कि उगना, उदय होना एक्सेट्रा। वहीं अगर हम बात करें ए की, तो वो भी एक सिनो कोरियन कैरेक्टर है, जिसका मतलब है एशिया। और इस तरह से किया का मतलब हुआ राइजिंग फ्रॉम दी एशिया। 1957 तक किया इंडस्ट्रीज ने अपने कामयाबी का सफर शुरू कर दिया था, और ये उस समय होंडा के लिए मोटरसाइकिल्स को बनाने का काम किया करती थी। किया के इस काम से खुश होकर माजडा ने भी अपने ट्रक बनाने का काम किया इंडस्ट्रीज को सौंप दिया था, जस्ट बिकॉज ऑफ किया को उस समय अपने ट्रक्स बनाने के लिए भी जाना जाता था। फिर 1973 में किया ने अपना सबसे पहला कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनवाया, जिसे आज सोहारी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसी के एक साल बाद यानी कि 1974 में इस कंपनी ने अपने सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल यानी कि किया ब्रेजा को इंट्रोड्यूस किया था। 1986 ही वो दौर था जब इस कंपनी ने अपने इतिहास में सबसे कम यानी कि केवल 26 गाड़ियां ही बनाकर बेची थी, लेकिन हालात ठीक होते ही इस कंपनी ने अगले ही साल कम से कम 95,000 से भी ज्यादा कार्स बनाकर पूरे वर्ल्ड वाइड बेची थी। और इस कंपनी से खुश होकर यूरोप की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी कि फिएट ने भी कंपनी से गाड़ी बनवाना शुरू कर दिया था, जो कि अपने आप में ही कंपनी के लिए गर्व की बात है। शायद आपको नहीं मालूम, लेकिन 1992 तक किया इंडस्ट्रीज ने अमेरिका में भी एंटर कर लिया था। इस कंपनी द्वारा अमेरिका में लॉन्च किए गए सबसे पहले कार का नाम है किया सेफिया, जो कि 1984 से लेकर 2003 तक लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर थी। और ऐसे ही आगे चलकर किया स्पोर्टेज 4x4, किया स्टिंगर और किया ऑप्टिमा जैसे कई और व्हीकल्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन सभी कार को अमेरिका में मौजूद किया के प्लांट में ही बनाया गया था। आज 2021 में किया की पूरे अमेरिका में 755 से भी ज्यादा डीलरशिप मौजूद है, और अमेरिका में अब तक गाड़ियां बेचने के सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए कंपनी ने एक ही साल में 24,740 से भी ज्यादा कार्स बनाने का कीर्तिमान रचा था। इस कंपनी द्वारा बनाए गए सबसे सस्ते मॉडल का नाम है किया सोनेट। इस कार में 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन दिया गया है, जो कि 113 का BHP और 250 NM का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार 6 स्पीड ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात करें प्राइस की, तो है 6 to 10 lakh rupees। वहीं अगर हम बात करें सबसे महंगे मॉडल की, तो वो है किया K900। इस कार में 3.3 लीटर का ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन दिया गया है, जो कि 365 का हॉर्स पावर और 376 NM का टॉर्क जनरेट करता है। यह कार 8 स्पीड ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता है। बात करें प्राइस की, तो वह 43 to 45 lakh rupees। शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन इंडिया कारों की बहुत बड़ी मार्केट है, जिस वजह से यहाँ पर हर साल कम से कम 3 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बिक जाते हैं। किया मोटर्स ने रिसेंटली इंडियन मार्केट में एंट्री किया है। इस कंपनी द्वारा इंडिया में लॉन्च किया गया सबसे पहला कार था किया सेल्टोस। इंडिया के आंध्र प्रदेश में मौजूद इस कंपनी का प्लांट कुल 536 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, और यहाँ पर हर साल कम से कम 40,000 से भी ज्यादा कारों को बनाकर बेचा जाता है। 1997 ही वो दौर था जब कंपनी घाटे में चल रही थी, और इस कंपनी के शेयर्स काफी तेजी से घट रहे थे। पैसा डूबने के डर से कई इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने फटाफट अपने शेयर्स को दूसरी कंपनियों को बेचना शुरू कर दिया था। तभी इस कंपनी की डूबती नैया को सहारा देने के लिए साउथ कोरिया की ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ह्यूंडई मोटर्स ने इस कंपनी का 51% स्टेक खरीदा, और कंपनी वापस ट्रैक पर आ गई। आज इस कंपनी को ह्यूंडई मोटर्स ग्रुप ही ऑन करता है। बदलते वक्त के साथ साथ किया ने अपने कई मॉडल्स लाइक किया नेमो कॉन्सेप्ट, किया सोल, किया GT कॉन्सेप्ट, किया प्रोवो कॉन्सेप्ट, 2013 मॉडल किया K900, किया प्रोसिट GT, किया ऑप्टिमा, किया GT4 स्टिंगर कॉन्सेप्ट जैसे कई कारों को दुनिया के सामने पेश किया है। और इन सभी मॉडल्स के डिजाइनर एक ही हैं, जिनका नाम है पीटर स्कैरियर, जो कि इस कंपनी के चीफ डिजाइन ऑफिसर्स में से एक थे। इन्होंने न केवल किया मोटर्स के लिए बल्कि ऑडी के मॉडल्स लाइक ऑडी TT, ऑडी A6, ऑडी A5, ऑडी A3 और ह्यूंडई के मॉडल्स लाइक ह्यूंडई टुक्सॉन और ह्यूंडई जेनेसिस जैसे कई और फेमस कंपनीज के 40 से भी ज्यादा मॉडल्स को इन्होंने ही डिजाइन किया है। जी हां दोस्तों, इस कंपनी का हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के सियोल में मौजूद है। इस कंपनी में कम से कम 51,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, जो कि हर साल 1.5 मिलियन से भी ज्यादा कार्स बनाकर बेच देती है। बात करें इस कंपनी के टोटल नेटवर्थ की, तो वो है $45 बिलियन। 2015 में आई हॉलीवुड मूवी एक्समैन अपोकलस में भी इस कंपनी के मॉडल यानी कि किया सोरेंटो का इस्तेमाल किया गया था, जिसे बनाने के लिए कंपनी ने स्पेशली फिल्म के मुताबिक डिजाइन किया था, जिसका नाम रखा गया था एक्समैन कार। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।